आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और हम आपको बताएंगे एक ऐसे देश के बारे में जहां पर बाइबल पढ़ने पर फांसी दे दी जाती है। हमारे हिंदुस्तान में सारे धर्म को आज़ादी मिली हुई है, यहां तक कि अगर आप हिंदू हैं तो भी आपके कुरान, बाइबल या अन्य धर्म ग्रंथ पढ़ने पर कोई पाबंदी नहीं है। पर क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहां बाइबल पढ़ने पर फांसी दे दी जाती है? आप सही सुन रहे हैं जो मैं कह रहा हूं, बाइबल पढ़ने पर फांसी दे दी जाती है, और वो देश है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया एक ऐसा देश है जहां बाइबल पढ़ने पर फांसी दे दी जाती है। यहां आपको बाइबल पढ़ने की इजाजत नहीं है। उत्तर कोरिया अपने आप में एक अनोखा देश है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर उत्तर कोरिया में आप कोई कानून तोड़ते हैं तो सजा सिर्फ आपको नहीं मिलेंगे, आपकी अगली 3 किश्तों को सजा सुनाई जाती है। यहाँ तक कि अगर आपने किसी गरीब की फोटो खींच ली तो इसे भी उत्तर कोरिया में गुनाह समझा जाता है। उत्तर कोरिया ये सोचता है कि ऐसे फोटो खींचकर आप देश की गलत छवि दिखाना चाहते हैं, और इसके लिए भी सख्त सजा का प्रावधान है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।